जब नहीं आता तो बोलता है आता ही नहीं है, आता ही नहीं करते रहते। क्या हुआ, क्या हुआ, खाना दिए ना, खाई है, जाओ अभी, जाओ अभी, हमको परेशान मत करो। जाने नहीं जाएगी, देख इधर, देख इधर मेरे तरफ, नहीं जाएगी, नहीं तो हम जाए, हम उठ जाए यहाँ से। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और मैं अभी अपने ससुराल आ चुकी हूँ, गुवाहाटी आ गई हूँ मम्मी के घर से। और देखिए मैं कैसे बात करूँ मुझे पता नहीं, ये मुझे परेशान करके रखी है। इधर निकल जा, आ इधर आ, आ इधर आ, देखिए आ इधर आ, इधर आ, आ जाओ। मैं बैक कैमरा करके आपको दिखाती हूँ, ये मुझे कोई काम ही करने नहीं दे रही, मैं जहाँ जा रही हूँ वहाँ मुझे ये परेशान करके रख दी है। खाना भी खा ली है तब भी आज परेशान कर रही है। जाओ अभी, जाओ अभी बाहर जाओ, देख रहे हैं मुझे काम करने ही आज नहीं दे रही है ये। और आज से बच्चे लोग स्कूल चले गए हैं और मेरे हस्बैंड आज सुबह सुबह दीघा चले गए हैं, उनका काम आया तो वो दीघा चले गए हैं। और मैं हूँ और मम्मी सोई हुई है, ऐसा ही सोई हुई है, लेटी हुई है। और अब मैं खाना बनाऊंगी और अच्छा नहीं लग रहा है, बिल्कुल मन ही नहीं लग रहा है, मम्मी के घर से आई हूँ तो चलिए मैं खाना बना लूँ, फिर आप लोगों से बातें करती हूँ। और जब मैं खाना बनाने के लिए किचन में गई तो मुझे पता ही नहीं था कि मेरे घर में टमाटर नहीं है, फूल गोभी है लेकिन टमाटर नहीं है। तो टमाटर के लिए लाने के लिए मुझे मार्केट जाना पड़ा, तो मैं मार्केट गई तो हरी हरी सब्जियां देखकर और भी सब्जी उठा ले आई। ये बैंगन लाई हूँ और क्या है, बरबट्टी है, मूली है, आलू है, प्याज है, टमाटर है। और मुझे सब्जी बहुत ही ज़्यादा ही पसंद है। और मम्मी के लिए एक कोल्ड क्रीम लाई हूँ कि वो मम्मी लगाती है। और ये देखिए सारा दिन मम्मी काम में ही लगी रहती है, बेटी के घर आई है आराम करने के लिए, लेकिन सुबह से ही वो काम कर रही है। मेरी तबीयत ख़राब है ना, इसलिए मम्मी को लेके आई हूँ, क्योंकि मैं अभी कोई भी भारी काम नहीं करूँगी, इसलिए मम्मी आई है मेरे साथ। और सारा काम मम्मी ही करती है, मुझे सुबह उठने ही नहीं देती, वो सारा काम कर लेती है। और मैं आप लोगों से कुछ ज़रूरी बात करनी है मुझे आप लोगों से। मेरी वीडियो अभी नहीं आ रही है क्योंकि मेरी तबीयत अभी थोड़ी ठीक नहीं रह रही है। मैं आप लोगों से बोली थी कि जब मैं मम्मी के घर गई थी तो मैं बोली थी ना कि हम लोगों के घाट पे दूसरे अरग के दिन बहुत ही अच्छा लगता है, मैं वो सब कुछ रिकॉर्ड करके आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। लेकिन मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं की, डायरेक्ट मैं मायके से नोयाहट मैं ससुराल आ गई थी, क्योंकि मैं दूसरे अरग के दिन, फर्स्ट अरग के दिन ही शाम को जब घाट से आई तो मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, लेकिन रात को 11 बजे के बाद मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी। मेरे सीने में बहुत ज़्यादा ही दर्द था, उसके चलते मैं घाट पे नहीं जा सकी। और फिर मैं दवाई हल्का वहाँ पे मैं डॉक्टर के पास जाके दवाई ले ली थी, अब यहाँ आके चेकअप आई हूँ ससुराल, तो अब चेकअप कराऊँगी। जब नहीं आता तो बोलता है आता ही नहीं है, आता ही नहीं है, करते रहे।
और ये रात का वक्त हो रहा था, मैं सबके लिए दलिया ही बना दी। रोटी बनाने का दिल नहीं कर रहा था इसलिए मैं सबके लिए दलिया ही बना दी। और मैं अपनी वीडियो को अभी ज़्यादा लंबा बड़ा नहीं करूँगी, मैं अपनी वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरा सपोर्ट करिए।